फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लुसेंट का जो कंप्यूटर था उसके सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो कवर कर लिया था और दो पार्ट में आएगा क्योंकि इसमें काफ़ी अधिक प्रश्न थे, तो करीब 90% मैंने उसमें कवर कर लिया था, उससे आगे है। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा आज का पहला प्रश्न है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है कौन सा? प्रयोग हम यूज करते हैं मीन्स कॉमनली, वो होता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, अच्छा आप इसे पहले वाला सेशन अगर नहीं देखे होगे तो देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो उसमें था, तो उसको प्लीज देख लेना। फिर भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? इन सबसे पहला कंप्यूटर वायरस जो इंडिया में आया और जिसे हमने फाइंड कर पाया वो कौन सा था? सी ब्रेन। सी ब्रेन। नेक्स्ट है अर्नेट। अर्नेट क्या है? अर्नेट जो है क्या है, ये क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है। अर्नेट क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाती है? मीन्स इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू अगर हम कहीं संदेश भेजेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? ईमेल। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहा जाता है इसे। आपसे प्रश्न ये भी आ सकता है कि ईमेल में ई का मतलब क्या होता है, जैसे कि 4G में जी का मतलब क्या होता है? तो क्या होता है? जनरेशन। फिर प्रदेश है, प्रदेश क्या होता है? देखो तो ये भी क्या है? कंप्यूटर का भाषा है। आपसे लिखा रहेगा कि कंप्यूटर शब्दावली में प्रदेश का अर्थ क्या होता है, कुछ ऐसा रहेगा। तो प्रदेश क्या है? कंप्यूटर की भाषा है। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? तो इसमें क्या होगा? घर घर उपयोग होगा। घर घर के उपयोग में पंचम पीढ़ी मतलब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है क्या होगा? घर घर में इसका यूज किया जाएगा। फिर आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? क्या उसमें बाइनरी डिजिट होता है? द्वि आधारी अंक पद्धति, बाइनरी। बाइनरी में क्या होता है? मेनली 0 और 1 का यूज होता है। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो माउस जैसा कार्य इसमें से कौन सा करता है? देखो कीबोर्ड नहीं करता है, स्कैनर भी नहीं करता है, क्या करता है? ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल। नेक्स्ट है लॉजिक गेट है। लॉजिक गेट क्या होता है? तो एक प्रकार का सर्किट है। लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट। फिर है टैली। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो टैली क्या होता है? अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए? अकाउंटिंग। फिर संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम। प्रोग्राम। नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसमें क्या होता है? कैलकुलेशन भी होता है और एनालिटिकल थिंकिंग भी होता है, तो गणना एवं तर्क पर आधारित होता है। आंसर हमारा सी सही है। फिर डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, डाटा प्रोसेसिंग। और अगर यही प्रश्न रहता कि डाटा स्टोरिंग का क्या मतलब होता है, तो क्या होता है? डाटा को जमा करना, संरक्षित करना। नेक्स्ट है हाल के समय में भारत का निर्यात किस देश के साथ अधिकतम वृद्धि दर दिखा रहा है? तो कौन सा हो जाएगा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या है? भारत अग्रणीय है। फिर है क्रय। क्रय क्या है? तो अब देखते होंगे इसको क्रय पढ़ा जाएगा, CRAY, ऐसा से पढ़ाता है। CRAY 1 रहेगा, CRAY 2 रहेगा। ये क्या है? एक सुपर कंप्यूटर का सीरीज है, सुपर कंप्यूटर। फिर है माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ पे है? तो ये कहाँ है? सिएटल, USA में सिएटल। सैन फ्रांसिस्को में एक जगह है सिएटल। फिर है LCD। LCD का पूरा नाम क्या, मीन्स फुल फॉर्म क्या होता है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक नया आया है LED, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड याद रखोगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मींस इलेक्ट्रॉनिक शासन जहाँ पे चल रहा है वो मींस वो स्टेट जो है कौन सा है? वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। देश का पहला कंप्यूटरकृत गाँव कौन सा? ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कौन सा है वो? वह केरल का वेल्लानाड। केरल का वेल्लानाड। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स किसका उदाहरण है? तो डॉट मैट्रिक्स जो होता है प्रिंटर का एक टाइप है, प्रिंटर। फिर एक कंप्यूटर वायरस होता है, तो कंप्यूटर वायरस भी क्या होता है? एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक विशेष प्रकार का प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट है 10 लाख बाइट।
लगभग होता है, 10 लाख बाइट जो होता है वो लगभग किसके बराबर होता है, तो 1 मेगाबाइट के बराबर, 1 मेगाबाइट के बराबर। फिर वहीं अगर पूछते 10 लाख मेगाबाइट किसके बराबर होता है, तो 1 गीगाबाइट के बराबर, सॉरी एक स्किप करना है आपको, मेगा के बाद जीबी, तो 1 टीबी कर दो, 1 टेराबाइट के बराबर। अगर फिर से रिपीट करता हूँ, 10 लाख मेगाबाइट अगर रहे तो वो किसके बराबर है, मेगावाट। अगर 10 लाख मेगाबाइट पूछ दे तो वो टेराबाइट के बराबर। यही अगर आता 10 लाख किलोबाइट किसके बराबर है, तो हम क्या करते हैं, वो होता है 1 गीगाबाइट के बराबर, मीन्स 1 को स्किप कर देना है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। दिया गया है .NET, जिसे .NET कहा जाता है, फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, बिल्कुल सही है, उसी के द्वारा किया गया है। फिर है जावा सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, ये भी बिल्कुल सही है। ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जावा किसकी कंपनी है, सन माइक्रोसॉफ्ट की, और ये क्या है, ओपन सोर्स वाली कंपनी है, तो दोनों सही है हमारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, हमारा सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई। सबसे पहले जो किया गया वो कौन सा किया गया, फोरट्रन, याद रखिएगा ये क्या है, मीन्स वैज्ञानिक भाषा है, और सबसे बेसिक लंग कौन सा है, वो है बेसिक, नाम से ही क्लियर है। फिर एक कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, तो आईसी चिप जो होता है वो किसका बनाया जाता है, ये भी हम पहले वाले सेशन में पढ़ लिए थे, ये था सिलिकन का बना होता है, सिलिकन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है, तो वो कौन थे, टिम वर्नर्स ली। और ये भी बताया था कि वर्ल्ड वाइड वेव, इतना तक तो सही है, फिर एक डब्ल्यू इसमें और लगा दे, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये प्रश्न पूछा गया था इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक एग्जाम में, तो इसका मतलब होता है वार्म, वर्ल्ड वाइड वेव वार्म। फिर लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है, क्या होता है, अर्धचालक लेजर। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, पहला कंप्यूटर जो बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया, चार्ल्स बेबेज, इसीलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट, आधुनिक कंप्यूटर पर लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न प्रयोग से, वो संभव हो सका है समाकालित परिपथ चिप के चलते। फिर संगणकों मीन्स कंप्यूटर के आईसी चिप्स प्रायः किसके बने होते हैं, तो अभी मैंने जिक्र किया आईसी चिप जो बना होता है वो किसका होता है, सिलिकन का। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि प्रदर्शित करता है, कौन, बग। नेक्स्ट है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसका बना होता है, तो वो भी सिलिकन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है, तो देखो प्रिंटर भी है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है, प्रचलन तंत्र नहीं है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। फिर है एमएस वर्ड है प्रयोग किया जाता है, तो एमएस वर्ड का प्रयोग, हम लोग वर्ड से क्लियर है, वर्ड लिखा हुआ है, तो प्रधानतः डाटा संशोधित हेतु, एमएस पेंट होता तब हम करते चित्र के लिए, और एमएस एक्सेल होता तब होता संख्यात्मक डाटा के लिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानतः डाटा, आंसर बी। नेक्स्ट है एक पेन ड्राइव क्या होता है, एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारक एकांक, मीन सेकेंडरी मेमोरी बोल सकते हैं इसको, GIF का आशय क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, तो ये इसमें नहीं दिया गया है, ग्राफिक्स कहीं पे नहीं है, तो हमारा हो जाएगा उक्त में से कोई नहीं। ये अगर आप WhatsApp चलाते होंगे तो उसमें जैसे स्टिकर होता है, एमोज होता है, उसके नीचे एक GIF भी लिखा आपको मिल जाएगा, तो वही होता है GIF, जिसको हम लोग पहले एनिमेशन तो अलग होता है, लेकिन GIF, तो इसे आप फैमिलियर होंगे आजकल, लेकिन फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट है आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है, मीन्स पहला कंप्यूटर जिसमें आईसी चिप लगाया गया था वो था वैक्स 780। फिर आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर के द्वारा। अच्छा आप मुझे एक सेमी कंडक्टर का नाम बता दो तो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाला निवेश युक्त मीन्स इनपुट डिवाइस कौन सा है, माउस है, यूनिवर्सल कहा जाता है इसको। अगर आपको यहाँ पे मीन्स रहता कीबोर्ड तो कीबोर्ड पे आप टिक मारते, ठीक ना, लेकिन अगर कीबोर्ड नहीं है तो आप माउस पे टिक करोगे।
फिर है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल यहाँ पे प्रोवेंस लिखा हुआ है, सॉरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का हिंदी हो जाएगा केंद्रीय संसाधक एकांक, ये हो जाएगा सही। अब देखो इस टाइप के कंप्यूटर या किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर रहे हो तो उसका ट्रांसलेट कर लिया करो, डेट मीन्स हिंदी इंग्लिश दोनों में उपलब्ध होता है क्वेश्चन, तो आप उसको इंग्लिश हिंदी कर लिया करो, तो उससे क्या होता है आसान होता है, क्योंकि बहुत सारे वर्ड का आपको हिंदी नहीं पता होगा, बहुत सारे वर्ड का इंग्लिश पता नहीं होता है, तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है एमबी, एमबी का प्रयोग किस में करते हैं, मेगाबाइट के लिए, मेगाबाइट के यूज के लिए, मेगाबाइट। फिर मूल निवेश निर्गम प्रणाली, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान होता है, किसमें होता है, यादृच्छिक अभिगम स्मृति में, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में। नेक्स्ट है कंप्यूटर का जाल क्रमित करना खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है, ये भी सही है, कंप्यूटरों की उपयोगिता बढ़ाता है, ये भी सही है, सूचना अभिगम की संभावनाओं को बढ़ाता है, ये भी सही है, मीन्स उपरोक्त सभी हम कर देंगे इसका आंसर। फिर है इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा कंप्यूटरों का जाल क्रमित करना हुआ नेट का यूज जो हम लोग करते हैं इंटरनेट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो इनमें से किसी ने भी नहीं किया क्योंकि उनका उनका नाम है जेवी एटनासोफ, जेवी एटनासोफ, पूरा नाम जॉन वेंसेंट एटनासोफ है, 1930 में किए थे, तो याद रखिएगा उनका। नेक्स्ट है कंप्यूटर भाषा में मेगाबाइट जो है कितने बाइट के बराबर होता है, तो 10 मिलियन अप्रोक्स मैंने कहा था। फिर सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पारस मीन्स रेंज कितना होता है, सुपर कंप्यूटर की बात की जा रही है, वो होता है 64 बिट, हम लोग जो यूज करते हैं वो 16 बिट या 32 बिट होता है। फिर है बाइनरी कोड की संख्या 7 लिखी जाती है, तो 7 कैसे लिखेंगे, देखो इसमें लॉजिक होता है, मीन्स 1 × 2^3 होता है, ऐसे करके इसको यूज किया जाता है, ठीक ना, तो ये आपको सीखना पड़ेगा अलग से। अगर आपको ये सीखना है तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से आप बाइनरी फॉर्म में लिख पाओगे। नेक्स्ट है भारत में सुपर कंप्यूटर पड़म का निर्माण कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था पुणे में, पुणे में। अच्छा कौन से कंपनी में हुआ था, कौन सा कंपनी बनाया था इसको, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ये मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में, सही आई इस वीडियो में मैंने ये बताया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। फिर है कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है, किसको नष्ट करता है, प्रोग्रामों को, प्रोग्रामों को, क्योंकि प्रोग्राम को नष्ट करेगा तो उससे आपका आंकड़ा भी खराब हो ही जाएगा, तो प्रोग्राम अच्छा ऑप्शन है, उस पर टिक लगाओगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है, तो क्या है विंडो, सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। फिर निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तो वो यंत्र क्या है, मोडेम, मोडेम। कंप्यूटर सिस्टम के जिस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है, तो यह है प्रिंटर का। फिर है सीडी रोम एक है, सीडी रोम मीन्स एक प्रकार का क्या है, मेमोरी है, तो रजिस्टर, मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर। नेक्स्ट है एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डैश कहते हैं, कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, IC। फिर डैश कंप्यूटर को बताता है कि उनके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना है, तो वो बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि उसका प्रयोग कैसे करना है। नेक्स्ट है सी, बेसिक, कोबल और जावा डैश भाषाओं का उदाहरण है, तो ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, याद रखिएगा हाई लेवल लैंग्वेज है। 1000 बाइट का एक डैश होता है, 1000 बाइट 1 KB के बराबर होता है, 1 KB 1024 होता है लगभग की बात की जा रही है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो देखो इसमें नहीं दिया गया, नवीनतम आप विंडो 10 हम करेंगे, विंडो 10, फिर कोई आ जाए तो आप याद रखना उसको। फिर IBM क्या है, IBM एक क्या है, कंपनी है। नेक्स्ट है गूगल क्या है, तो गूगल का एक सर्च इंजन, गूगल, याहू, ये सब क्या है, एक सर्च इंजन है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉरी प्रोग्रामर है, वो क्या बनाता है, प्रोग्राम बनाएगा, प्रोग्राम बनाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से समस्त संग्राहक उपकरण है, मीन्स फ्लॉपी डिस्क भी इसमें आप डाटा रख रहे हो, सीडी ड्राइव में भी, हार्ड डिस्क में भी, बस प्रिंटर क्या है, संग्राहक नहीं है, आउटपुट डिवाइस है, ये हो जाएगा। फिर प्रथम बीटी के कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता था, तो उसमें वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, तो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने के लिए
ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कर्सर, कर्सर। फिर है सीडी का आकार कैसा होता है? तो सीडी अगर आप देखें कैसा होता है, वर्गाकार होता है, सॉरी वर्गाकार तो ये सब हो गया, गोल होता है, गोल, मैं वृत्ताकार समझ रहा था, वो क्या था, गोल होता है। कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन होता है? तो सीपीयू, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर है वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं होम पेज, होम पेज। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? होम पेज। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम, प्रोग्राम। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को डैश कहते हैं, उसे कहा जाता है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड। सिस्टम बोर्ड को ही कहा जाता है मदरबोर्ड। नेक्स्ट है प्रिंटर, मॉनिटर आदि जैसे पेरिफेरल उपकरणों को डैश माना जाता है, ये क्या है? हार्डवेयर है, हार्डवेयर। निम्न में से कौन सा सिस्टम कंपोनेंट कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है? तो क्या होता है? सीपीयू, सीपीयू। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? ये क्या है? आउटपुट डिवाइस। अच्छा स्कैनर किस टाइप का डिवाइस है? वो है इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हम रोम, रीड ओनली मेमोरी परमानेंट। और टेम्पोररी किसको कहा जाता है? रैम को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फिर है कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? फिजिकल कंपोनेंट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर, हार्डवेयर। कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं, तो जो प्राइमरी मेमोरी का जो कंटेंट होता है, कंटेंट वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है, मेमोरी, मेमोरी। मेमोरी से हम प्राइमरी को डिनोट करते हैं और स्टोरेज से सेकेंडरी को मेनली डिनोट करते हैं। तो ये था मेरे वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो से कुछ सीख मिली हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक और कमेंट करके बताइए, और अगर पसंद नहीं आया हो तो डिसलाइक भी कीजिए, पर कारण जरूर बताइए ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अगर चाहते हैं कि कुछ और पे मैं और वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहेगा एजुकेशन रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।